माता पार्वती ने पूछे भगवान शिव से दो प्रश्न। कौन सा काम स्त्री पति से पहले करना चाहती है? कौन सी चीज स्त्री अपने पति को मरते दम तक नहीं देती? दर्शक बंधुओं, आज की यह रहस्यमयी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस कहानी से पता चलेगा कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को नहीं देती है और कौन सा काम वो पति से पहले करना चाहती है। दर्शक बंधुओं, वैसे देखा जाए तो विवाह होने के बाद एक स्त्री पूर्ण रूप से पति को समर्पित हो जाती है। स्त्री की हर चीज पर पुरुष का अधिकार होता है और पुरुष की भी हर चीज पर स्त्री का अधिकार होता है। स्वेच्छा से एक महिला अपने पति को खुश रखने के लिए हर वो चीज उसे सौंप देती है जिसमें पति की खुशी होती है। पर ऐसी क्या चीज है जो स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती? ऐसा कौन सा काम है जो पति से पहले करना चाहती है? मित्रों, ये प्रश्न सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता होगा, पर यह प्रश्न हमारे धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों से पृथक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर लगभग सभी जानते होंगे कि कौन सी चीज है जो पुरुष जीते जी अपनी पत्नी को दे सकता है पर स्त्री जीते जी अपने पति को नहीं दे सकती। तो आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, बात कुछ पुरानी है। एक बार कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती चौंसर का खेल खेल रही थी। खेल ही खेल में उनके बीच वार्तालाप हो रहा था। माता पार्वती ने सोचा कि क्यों ना भोलेनाथ से कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लिया जाए। यही सोचकर माता पार्वती ने उनसे बीच बीच में प्रश्न करती जाती थी, जिनका जवाब भगवान महादेव बड़े ही सुंदर ढंग से देते थे। प्रश्न करते करते माता पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो बड़ा ही रहस्यपूर्ण था। माता पार्वती ने पूछा, हे देवादिदेव, मुझे ये बताइए, एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। यदि इनमें किसी चीज का अभाव रहता है तो रिश्ते की नींव कमजोर पड़ जाती है। कई बार तो इनके अभाव के चलते रिश्ता टूट भी जाता है। कहते हैं इसमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर स्त्री पुरुष के बीच कपट आ जाता है तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। और जहां प्रेम होता है, विश्वास होता है, वहीं गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है। और जहां झूठ और कपट का लेश मात्र भी अंश होता है, वहां गृहस्थ जीवन कलह और कलेशों से भरा रहता है। वहां पति और पत्नी के रिश्तों में कोई मजबूती नहीं रहती। इसलिए मैं ये जानना चाहती हूं कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को मरते दम तक नहीं देती और कौन सा काम वो पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम में स्त्री अपने पति को ही आगे रखती है। फिर ऐसा कौन सा काम है जो वो पति से भी पहले करना चाहती है? दर्शक बंधुओं, माता पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जिन प्रश्नों के उत्तर तुम जानना चाहती हो उनके जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। धरती लोक पर एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उसी नगर के राजा के बेटे का विवाह होने वाला था। राजा के महलों को, नगर की गलियों को फूलों से, रंगों से सजाया जा रहा था। उधर राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वो बहुत ही रूपवान थी। राजकुमार अपने कक्ष में पड़ा हुआ राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। वो उसी क्षण राजकुमारी के पास जाना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और सबसे छुपते छुपाते महल से निकल चला। अस्तबल से एक घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजरा तो वहां उसे बहुत जोर की प्यास लगने लगी। अब तो राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं दे रहा था। यदि कहीं कोई नदी या तालाब मिल भी जाता तो उसमें पानी नजर नहीं आता। इस प्रकार प्यास से व्याकुल होकर राजकुमार एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहीं पास में ही एक कुआं दिखाई पड़ा। कुआं को देखकर उसे कुछ उम्मीद जागी, शायद इस कुएं में पानी हो। राजकुमार ने कुएं में झांक कर देखा तो सचमुच कुएं में पानी भरा था। पानी को देखकर उसकी प्यास और भी तीव्र हो उठी। अब तो उसने बिना देर किए कुएं से जल निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने पेट भर के जल पी लिया तभी क्या देखता है कि उस झोपड़ी से एक बुढ़िया निकलकर आती है। वो बुढ़िया उस राजकुमार को कहने लगी, हे मुसाफिर,
कहीं तुमने इस कुएं का जल तो नहीं पी लिया? यदि तुमने इस कुएं का जल पिया है तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये कुआं एक ऋषि के द्वारा शापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है। आज से तुम भी हर रोज रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उस समय तुम्हारे पास जो मनुष्य आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। उस समय तुम ये नहीं सोचोगे कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है। उस समय तुम्हारे निकट दिखाई देने वाला मनुष्य या पशु सिर्फ तुम्हारा भोजन होगा। दर्शक बंधुओं, उस बुढ़िया के मुख से सांप की बात सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी होने लगा। कहने लगा, माता श्री, तब तो मैंने इस कुएं का जल पीकर घोर अनर्थ कर डाला है। ऐसे तो मैं न जाने कितने मनुष्यों को हर रोज अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। मित्रों, राजकुमार विनती करके बोला, हे माई, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? यदि नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, जिससे मैं किसी दूसरे को मारकर अपना भोजन बनाऊं। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, सांप से मुक्त होने का उपाय तो है, यदि आप कर सको तो। राजकुमार बोला, हे माँ, सांप मुक्त होने के लिए मैं काल से भी लड़ जाऊंगा, तुम बताओ तो सही। तब बुढ़िया कहती है, बेटा, यहां से कुछ मील की दूरी पर एक ऊंचा सा पहाड़ है। उस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ जंगल है। उसी पहाड़ पर एक कायाकल्प नाम की बूटी है। यदि तुम उस बूटी का रस निकाल कर पी लोगी तो तुम इस भयंकर सांप से मुक्त हो सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, रात होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि आप कहीं मनुष्यों की बस्ती में ठहर गए तो ना जाने कितने निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। मित्रों, राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को भली भांति ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायाकल्प औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। इधर माता पार्वती और भगवान शिव इस दृश्य को देख रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना चाहते हैं। भगवान शिव बोले, देवी, धैर्य रखिए, आपको आपके प्रश्नों के जवाब इसी कहानी से मिलने वाले हैं। आप बस इस कहानी को ध्यान से सुनती जाइए। दर्शक बंधु, उधर वो लड़का राजकुमार बड़ा चिंतित होता हुआ उस पर्वत की ओर बढ़ता जा रहा था। औषधि वाला पर्वत वहां से काफी दूर था। इधर अंधेरा भी हो चला था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं सुबह सूर्य निकलने के बाद तय करूंगा। पहले मैं किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूं। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। मित्रों, राजकुमार अब राजकुमारी से मिलने का विचार तो त्याग ही चुका था, क्योंकि वो जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए हितकर नहीं है। वो राजकुमार गांव और नगरों को बचाता हुआ जंगल की ओर चला गया, जहां किसी मनुष्य के आने जाने का मार्ग नहीं था। उसने अपने आप को एक पर्वत की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफी रात हो चली थी। वो राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने ही वाला था। इधर बंधुओं, राजकुमार ने जिस गुफा में अपने आप को छुपाया था उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता था। वो भेड़िया आए दिन लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस भेड़िया को लेकर दहशत बनी हुई थी। इधर क्या हुआ, जब वो राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे एक खूंखार भेड़िया गुफा के अंदर बैठा मिला। उस भेड़िए ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। भेड़िया गुर्राता हुआ उस राजकुमार की ओर झपटता है। वो उसे खाने ही वाला था कि इतने में राजकुमार पर उस सांप का असर होने लगा। पल भर में ही वो मनुष्य से नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। भेड़िए ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है। वो एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी भेड़िया को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वो भेड़िया को मारकर खा जाता है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात उस गुफा में बिताई और सुबह होते ही वो अपने रूप में आ गया। राजकुमार गुफा से निकलकर आगे की राह तय करने लगा। तभी कुछ गांव के लोगों ने देखा कि ये नवयुवक तो उस दिशा से आ रहा है जिधर वो आदमखोर भेड़िया रहता है। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग पूछने लगे, अरे भैया, तुम कौन हो और इधर कहां से आ रहे हो? इधर तो एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता है जो लोगों को मारकर खा जाता है।
तुम भला जीवित कैसे बचाए? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाइयों, मुझे किस बात का भय लगता? जिस भेड़िया की आप बात कर रहे हो वो तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा है, मैंने उसे मार डाला। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब इस बात की पड़ताल करने के लिए गुफा के पास गए तो देखा सचमुच वो भेड़िया मरा पड़ा था। यह देखकर लोगों के मन में भेड़िया को लेकर जो दहशत थी वो खत्म हो गई और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक सामान्य पुरुष ने उस भेड़िया को मार डाला है। जब ये बात वहां के राजा को पता चली तो वो राजा उस राजकुमार को मिलने के लिए अपने महल में बुलाता है और कहता है, हे वीर युवक, तुमने उस भेड़िया को मारकर हमारी प्रजा को निर्भय कर दिया है। मैं तुम्हारी वीरता और साहस का कायल हो गया हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें एक उड़न खटोला भेंट करता हूँ। ये उड़न खटोला तुम्हें पल भर में यहां से वहां पहुंचा सकता है। दर्शक बंधुओं, राजा से उड़न खटोला पाकर राजकुमार भी बड़ा खुश होता है। सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अब मैं इसी उड़न खटोले पर बैठकर उस पर्वत पर आसानी से पहुंच जाऊंगा। मित्रों, राजकुमार ने वैसा ही किया। वो उस जादुई उड़न खटोले पर सवार हुआ और उस पर्वत पर जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां कायाकल्प नाम की अनेक बूटियां चमक रही थी जो बार बार अपना रूप बदल रही थी। बूढ़ी माँ ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलती दिखाई दे उसी का रस निकालकर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय गवाए कायाकल्प बूटी का रस निकालकर पी लिया, क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोग हो चुका था। राजकुमार ने क्या किया, वो उस उड़न खटोले पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला आया। वहां पहुंचकर वो अपनी राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी भी राजकुमार से मिलकर बड़ा प्रसन्न होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर आइए, मैं अपनी ससुराल पहुंच चुका हूं। इधर राजकुमार की बारात आती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है और वे अपने नगर को लौट आते हैं। मित्रों, दोनों बड़े आनंद के साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया गया, प्रजा में मिठाइयां बांटी गई। इधर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपकी लीला मेरे समझ में नहीं आई। एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपने मुझे एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान शिव बोले, देवी, अब बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। फिर क्या हुआ, एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने चढ़ाई कर दी। राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध में जाता है। उड़न खटोला की सहायता से उसने दुश्मन सेना को तो खदेड़ दिया, पर युद्ध में तीर लग जाने से उसकी भी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग उसे अर्थी पर रखकर ले जाने लगे। उसकी पत्नी वहीं खड़ी होकर रोती बिलकती दहाड़े मार रही थी। राजकुमार के सभी परिवारीजन उसे कंधा दे रहे थे और उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान शिव ने बताया, देवी, यही वो चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती, और पति तो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है, पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और ना उसे शमशान में साथ ले जाया जा सकता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर है कि सुहागिन स्त्री ये कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके, उसे मुखाग्नि दे सके और उसका तरण हो सके। और वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन शून्य हो जाता है। पति के बिना उसका जीवन जीवन नहीं रहता। कहते हैं, पति के बिना स्त्री की कोई गति नहीं है। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी है। वे नारियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं जिन्हें पति से पहले मृत्यु प्राप्त हो जाती है और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ, एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।